सो और ना भागते हुए सीधे मिला देता हूँ अपनी साइकिल से। ये रही मेरी नाइस साइकिल, ये चेक करो, 15 इंच का अलॉय फ्रेम है, हार्ड टेल फ्रेम है, बहुत ही अच्छा रहता है स्टंटिंग के लिए। अब मैं थोड़ा सा रिव्यू में बता देता हूँ इसकी प्राइस वगैरह क्या रही। इसमें क्विक रिलीज लगा हुआ है, जल्दी से निकाल देते हैं। ये लो भाई निकल गया, ओ गिर गया था भाई, लोग टायर के बगैर ही मिली कर दी, अब स्टार्ट ही करते हैं टायर के बगैर। क्रेजी आराम, ओ भाई तबाही तबाही भाई। लोग हमारे दिमाग में कुछ अलग ही टाइप का आइडिया आ गया है। ये जो आपको ये पोल दिख रहे होंगे यहाँ पे, हम इन्हीं पे साइकिल चलाते हैं, देखते हैं क्या सीन बनता है। लेट्स गो, हो गया लेट्स गो लेट्स गो। सो भाई लोग ये बंदा यहाँ से आ रहा है, लेट्स गो लेट्स गो। ओ भाई गिर गए, क्रेजी हाइट है, ओ क्रेजी क्रेजी। ये चेक करो ब्रेक हो रहा है। सो अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज का जो वीडियो है वो अपनी दृष्टि से ही शुरू हो रहा है, ये चेक करो। बाकी आज आपके भाई ने एक नई साइकिल ली है, वो अभी मैं दिखा देता हूँ, बट पहले अपनी पुरानी वाली साइकिल को मैं दिखा देता हूँ, उसमें मैंने कुछ मॉडिफिकेशन की है, वो ये रही। सबसे पहले तो मैंने ये नई ग्रिप डलवाए, ये जो हैंडल बार रिपेंट कर दी, फ्रेम में भी कुछ स्क्रैच थे, पेंट रिपेंट कर दिया। यहाँ से ये रोटर भी चेंज कर दिए, 160 mm ट्रैक्टर के रोटर देख सकते हैं, दिखाई नहीं दे रहा होगा बट आगे दिखाई देता होगा। ये पे चेक करेंगे, ये चेक करो ट्रैक्टर के रोटर है, दोनों साइड से 160 mm ही है, और आगे मैंने यही पेंट करवाया, बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है। अब ये पैडल जो है ये भी चेंज कर दिया ड्राइव ट्रेन में, ये थ्री व्हील चेंज कर दिया, 7 स्पीड का शिमैनो का नहीं है बट चलेगा, और ये टर्नी का है, TX कुछ नाम है इसका, शिमैनो का ही है, ओरिजिनल है, ये भी चेंज कर दिया। और अंदर जो बॉटम ब्रैकेट रहता है यहाँ पे जो बॉटम ब्रैकेट रहता है उसमें कुछ हलचल थी, वो भी चेंज ही कर दिया। बाकी टोटल कॉस्ट इसकी 3,500 के आसपास चली गई। यही सीन है यहाँ के, बाकी ये लुक चेक करो, कमेंट सेक्शन में बोलना कि लुक कैसा है। सो और ना भागते हुए सीधे मिला देता हूँ अपनी साइकिल से। ये रही मेरी नई साइकिल, ये चेक करो। सॉरी भाई लोग मजाक कर रहा हूँ, मेरी साइकिल नहीं है, दूसरे बंदे की है, वो चेक करो, वो जा रहा है साइकिल किसी की है। अब मैं थोड़ा सा रिव्यू में बता देता हूँ इसकी प्राइस वगैरह क्या रही। इसका पहले फ्रेम के बारे में बता देता हूँ, ये 15 इंच का अलॉय फ्रेम है, हार्ड टेल फ्रेम है, बहुत ही अच्छा रहता है स्टंटिंग के लिए। आगे ये ड्यूअल क्राउन सस्पेंशन लगा हुआ है, ये भी ऑफ रोड के लिए बहुत ही तगड़ा है। ये जो हैंडल बार है ये छोटी है 600 mm की, बट जल्दी चेंज करने वाले हैं, व्लॉग में आपको दिखने को मिलेगा जल्दी से ही। सीट भी अच्छी है इसकी, ये चेक करो, ये ऑफ रोडिंग के टायर्स है, इसमें इसने हाइड्रोलिक ब्रेक्स अपग्रेड की है ट्रैक्टरों की, ये चेक करो, ये लीवर है इसका, माइक्रो शिफ्ट दोनों तरफ से माइक्रो शिफ्ट ही है, अलग अलग ये शिफ्टर्स है दोनों साइड से, इस साइड से 3 स्पीड का, इस साइड से 7 स्पीड का। बाकी ये चेक करो सीन क्या है, पीछे से लगा हुआ है शिमैनो का 7 स्पीड फ्री व्हील माइक्रो शिफ्ट 26 डिलेलर, और आगे लगा है शिमैनो का 3 स्पीड क्रैंक सेट, और 26 इंच के रिम जो है वो भी लगे हुए हैं। पीछे से पता नहीं इनका ब्रांड क्या है, ये जो डिस्क्रूटर है इनका ब्रांड पता नहीं क्या है, बट 160 mm के हैं। सो भाई लोग इसमें बहुत ही अलॉय मटेरियल यूज़ किया गया है, जो दोनों आर्म्स है क्रैंक के वो भी अलॉय के है, जो सीट पोस्ट है अंदर से वो भी अलॉय का ही है। बाकी इसमें जो हैंडल बार है स्टील की आती है, जो स्टेम है वे भी स्टील का ही आता है। इसको हम जल्दी चेंज करेंगे, 760 mm हैंडल बार का ऑर्डर दे दिया है, जल्दी पहुँचेगी। बाकी इसका लुक चेक करो, कमेंट सेक्शन में बोलना कि लुक कैसा है। बाकी इसकी कॉस्टिंग के बारे में बात की जाए तो इसको उसने बहुत ही महंगा दिया है, एक टाइप से बोल सकते हैं 32 के आसपास पड़ा है इसको। ये नया ही था, इसने थोड़ा ये गंदा कर दिया है। बाकी अब मिलते हैं सीधे स्टंट पे। सो
तो भाई लोग अब हम लोग ही क्रेजी है और क्रेजी ट्रक ही करेंगे, देखते रहो क्या क्या होने वाला है। पहले सीट भी बंद कर दी, क्या बोलता है आगे वाले टायर को निकाल ही देते, निकाल दे। चलो भाई निकाल ही देते, इसमें क्विक रिलीज लगा हुआ है, जल्दी से निकाल देते हैं। ये लो भाई निकल गया व्हील, साइड में रख दे वही पे। सो भाई लोग ऐसे ही व्हीली करेंगे, एक टायर निकाल के व्हीली करेंगे। अजा भाई चल मेरे साथ, लेट्स गो लेट्स गो। क्रेजी क्रेजी टायर के बगैर ही व्हीली कर दी, अब स्टार्ट ही करते हैं टायर के बगैर। नहीं भाई लोग मजाक कर रहा हूँ, ऐसे ही फिर से जाते हैं वहां तक, लेट्स गो क्रेजी क्रेजी गो क्रेजी। ओ गिर गए भाई लोग, कोई सीन नहीं। तो भाई लोग फिर से लगाते हैं टायर, देखते हैं करते हैं स्टॉप ही एक्स्ट्रा ट्राई। हो गया डन, अब करते हैं कोई तगड़ी वाली ट्रक। अच्छा भाई देखते रहो व्लॉग को। सो भाई लोग डेथ स्पिन ट्राई करते हैं, लेट्स गो क्रेजी। और एक ट्राई करते हैं, इस बार तो भाई लोग इसमें फ्लेमिंगो में बहुत ही अच्छा बैलेंस मिलता है और वही ट्राई करेंगे, फिर उसके बाद हम हेड स्टैंड भी ट्राई करेंगे, क्या बोलता है। लेट्स गो लेट्स गो। क्रेजी क्रेजी ट्राई करते हैं भाई। सो गाइस अबरार भाई आ चुके हैं नेक्स्ट ट्राई करने के लिए, लेट्स गो क्रेजी। वाली सही गई भाई, हाँ सही गई ये वाली। तो एक बार हेड स्टैंड ट्राई करते हैं, तबाही वाला हेड स्टैंड करेंगे, अच्छे से वीडियो भी उठाएगा ये बंदा और फिर करेंगे ट्राई, लेट्स गो। क्रेजी क्रेजी आराम से, यहाँ पे तगड़ा वाला हेड स्टैंड होना है। ओ भाई क्रेजी यार, हेड स्टैंड बहुत ही मुश्किल है और छोटा हेलमेट भी पहना है इसीलिए। अब और एक ट्राई करते हैं बस, उसके बाद नहीं करेंगे वाला हेड स्टैंड। अरे ये वाला क्रेजी हुआ, बस अब और एक स्टंट करते हैं, ये वाला छोड़ देते हैं। सो मिलते हैं एक नए स्टंट पे, क्या बोलता है क्या करे, स्टॉप ही करते हैं, लेट्स गो ठीक है। क्रेजी क्रेजी यार, इसपे उतना अच्छा कंट्रोल नहीं है, बाहर जो है छोटी है सीट की वजह से। ओ भाई तबाही तबाही, दिल्ली में इसका अलग ही कंट्रोल है भाई, अगर इसकी बाहर थोड़ी सी लंबी हो जाती बस फिर इसको अच्छा कंट्रोल आता। भाई लोग हमारे दिमाग में कुछ अलग ही टाइप का आइडिया आ गया है, ये जो आपको ये पोल दिख रहे होंगे यहाँ पे, हम इन्हीं पे साइकिल चलाते हैं, देखते हैं क्या सीन बनता है, लेट्स गो। तो ये देख सकते हैं आप कितना छोटा है, ये पतला है पतला पोल, इसी पे चलाएंगे, ये देख सकते हैं आप, लेट्स गो क्रेजी क्रेजी लेट्स गो। ओह माय शिट, इस बार तो होगा भाई, हो गया लेट्स गो लेट्स गो। सो भाई लोग ये बंदा यहाँ से आ रहा है, लेट्स गो। ओ भाई गिर गया। सो भाई लोग चार पांच दिन से मैं प्रैक्टिस कर रहा था रोल का, देखते हैं कितना लंबा जाता है, अपनी साइकिल पे ट्राई करूंगा, उसमें मुझे हाथ नहीं बैठा है अभी तक, इसमें अच्छे से हाथ बैठा है, देखते हैं कहाँ तक रोल होगा, लेट्स गो लेट्स गो। क्रेजी हाई, ओ भाई लोग क्रैश होने वाला था, बट कंट्रोल करती है,
और एक ट्राई करते हैं हाई चेयर में। इस बार करना है भाई। लेट्स गो लेट्स गो। ओपी। तो भाई लोग रूटर जो नए डाले हैं उसकी वजह से ब्रेकिंग अच्छी से नहीं हो रही है, और एक ट्राई करता हूँ। क्रेजी क्रेजी। ओह मैन लेट्स गो। इस वक्त बहुत लंबा रोल हुआ। एक्चुअली भाई लोग यहाँ पे जो ब्रेक में स्क्रैच लगे हुए थे हमने इस पर स्प्रे पेंट कर दिया। हम जा रहे हैं अब रैपिंग की दुकान पे, वहीं पे हम शिमैनो के स्टिकर्स लगा देते हैं। सो चेक करो सीन, लेट्स गो। सो भाई लोग हम पहुँच गए, ये चेक करो, रैपिंग की दुकान पे वहीं पे बनाते हैं स्टिकर। सीन चेक करो, लेट्स गो। सो भाई लोग ये चेक करो, कुछ कंप्यूटर पे वर्क हो रही है, अभी प्रिंट करेंगे, लेट्स गो। ये चेक करो, प्रिंट हो रहा है, बहुत ही पतला है, मुझे नहीं लगता है निकलेगा। सो भाई लोग ये चेक करो, टेप ही रिप्लेस कर दिया बट अभी भी नहीं निकल रहा है। सो हम शॉप पे आए थे बट ये निकल ही नहीं रहा है, कट हो रहा है, ये चेक करो। आप छोड़ देते यहीं पे, बाकी व्लॉग में मज़ा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राइड हार्ड एंड राइड सेफ।